हेलो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप सभी को पेटीएम का केवाईसी न्यू अपडेट के साथ इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों 2023 में न्यू अपडेट आ चुका है। कैसे आपको घर बैठे ऑनलाइन अपने खुद के मोबाइल से पेटीएम का केवाईसी कर सकते हो। दोस्तों पेटीएम का केवाईसी ज़रूरी है करना। जब तक आप पेटीएम का केवाईसी नहीं करते हैं तब तक पेटीएम की तरफ से जो भी सुविधा मिलता है, किसी के अकाउंट में पैसा भेजना हो, किसी का मोबाइल रिचार्ज करना हो या बैलेंस चेक करना हो, आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सिर्फ एक सुविधा मिलेगा कि आप कहीं से पैसा अपने अकाउंट में मंगवा सकते हो। ठीक है, तो कैसे पेटीएम का केवाईसी करना है मैं इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि पेटीएम का केवाईसी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन का बैच मिल जाएगा जब पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर QR कोड भी मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आप पैसा को लेन देन कर सकते हैं। तो चलिए कैसे आपको पेटीएम का KYC करना है मैं इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देता हूं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार में टाइप करना है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम एप्लीकेशन पहले यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च कीजिएगा दोस्तों, तो जो भी आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन पहले से जो इंस्टॉल है उसे एक बार अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट बार आपको मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है। यहाँ देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है पेटीएम का KYC करने के लिए कि यहाँ पर देखिए सर्च बार का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लोगों पर क्लिक करके जब आप पेटीएम का KYC करने जाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पेटीएम का KYC आपको यहाँ पर जो टिक लगा रहता है, ग्रीन टिक जो बैच लगा रहता है, नहीं दिखाई देगा, ना आपको QR कोड मिलेगा अगर आप पेटीएम का KYC नहीं किए रहते हैं तो। जब आप पेटीएम का KYC कर लेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर QR कोड मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बैच भी मिल जाएगा। दोस्तों KYC कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टाइप कर देना है KYC। ठीक है दोस्तों, जब आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट में मिलेगा KYC नियर पॉइंट का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ एक्टिवेट माई वॉलेट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए मैं पूरा डिटेल मैं भरकर एक्टिवेट माई वॉलेट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से आप होम पेज पर आ जाइएगा। होम पेज पर आने के बाद फिर से क्या करना है कि यहाँ पर जो सर्च बार है फिर से इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है KYC दोबारा। ठीक है, उसके बाद फिर से KYC नियर पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट मेथड कंप्लीट योर फुल KYC फॉर फ्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर विजिट ए नियर बाय KYC स्टोर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर सेंटर का नाम आ जाएगा, जो भी नज़दीक में सेंटर होगा, जो ये सेंटर आपको 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कॉल का ऑप्शन है, कॉल पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पर KYC करने के लिए अभी मौजूद हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉल करके ही उस सेंटर पर आपको जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो KYC है 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जितना सुविधा है आपको मिल जाएगा, जैसे कि बैलेंस हिस्ट्री का, पेटीएम बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, पेटीएम वॉलेट का। अगर पेटीएम वॉलेट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका पेटीएम वॉलेट भी यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, आपका पेटीएम बैलेंस कितना है यहाँ पर दिखाई देगा, अभी दोस्तों यहाँ पर 0 बैलेंस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेटीएम बैंक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप एक पेटीएम बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड होगा आप पासवर्ड को डालकर जो बनाए होंगे लॉगिन कीजिएगा, तो इस तरह का जो पेटीएम अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
अभी हम देख सकते हैं दोस्तों, सेविंग अकाउंट भी मैं खुला हूँ पहले से, तो यहाँ पर देखिए जीरो बैलेंस दिखा रहा है जिसमें मेरा अभी पैसा इसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों इधर आइएगा साइड में, तो यहाँ पर देखिए स्कैन पे का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद टू मोबाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर टू बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आइएगा तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, यानी जितना सुविधा है सभी सुविधा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पेटीएम का KYC कम्प्लीट कर सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।